कैसा रहा आपका 15 अगस्त? बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आज एक बड़े पटना के बड़े संस्थान की तरफ से झंडोत्तोलन करने का न्योता था चैतन्य इंस्टीट्यूट के द्वारा, वहाँ पे गए। पहली बार युवराज जी झंडोत्तोलन करके आए, मुख्य अतिथि के तौर पे झंडोत्तोलन किए, उसका वीडियो दे देंगे आपको। युवराज जी के न्यूज सूप चैनल पे आने वाला है, आज से नया ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हो रहा है इनका, थोड़ा सा इनको भी दे देंगे कट उनको आप लोग के लिए। ठीक है ठीक है भाई, मेरा भी एक दिन। बाकी भाई तुम भूल रही है, चिल रही है, खुश रही है, क्योंकि सब कुछ आ सकता है, सब कुछ मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, लोग मिल सकते हैं, लेकिन बॉस एक चीज नहीं मिल सकता है, वो क्या बताएं? ये जो आज का दिन, मान ली आज का दिन जो 15 अगस्त 2024 है, कभी नहीं आएगा जिंदगी में। ईच डे ईच मिनट ईच सेकेंड राजा टक जी। वैसे अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए? आज के आज अपनी लाइन भी साहिबा के दिन के स्पेशल दिन को स्पेशल बनाने के लिए आज मैडम को ले जा रहे हैं स्त्री को, स्त्री अपनी स्त्री को स्त्री दिखाने ले जा रहे हैं। ठीक है, हॉरर मूवी पहली बार मूवी सिनेमा हॉल में हम लोग देखने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा खौफनाक होगा। मेरा भूत के नाम से मना जोर से कलेजा फटता है, बहुत बहुत कुछ नहीं होता है। और युवराज को भूत से इतना डर लगता है, रात भर आप सोइए, आज अब रात भर नहीं सोई, सोने वाले सिंपल है, सिंपल लॉजिक है, जहाँ कहीं भी भूत दिखाई देगा हम इंस्टाग्राम चलाएंगे। पापा जी, पापा मेरे को आइसक्रीम खाने, रुको रुकिए पापा जी। जा रहे हैं हम लोग अभी स्त्री देखने के लिए, और वहाँ से निकलने के बाद उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसा लगा हॉरर मूवी देखने में। युवराज जी के गाड़ी में अभी मात्र 4 किलोमीटर चलने भर तेल है, देख सकते हैं। और बाबू साहब बार बार भुला जा रहे हैं कि गाड़ी में तेल भी लेना है, बताइए गाड़ी बंद हो जाएगा तो हम लोग का मूवी बंद हो जाएगा ना युवान, बताओ। हाँ खत्म, बाय बाय टाटा। फिर हम लोग पैदल जाएंगे, अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं, पता नहीं कहा इतना भीड़ है पेट्रोल पंप, क्यों इतना भीड़ क्यों है हमको पता है, क्योंकि ना इतना भीड़ है ना, क्योंकि जल्दी पेट्रोल पंप चलाना, क्योंकि है ना ये इसका घर है ना। हमको लगता है ना युवान तुम ना पेट्रोल पंप खोल लो एगो, है ना, तब हम लोग के गाड़ी में तेल खत्म नहीं हुआ कभी, है ना। वहाँ पर खोले, खोल लो भाई, पापा से पेट्रोल भरवाया ना पैसा लगा। सही बात है, एक युवान ने एक गुल्लक खरीदा, तो गुल्लक खरीदा तो उसमें उसके पापा डेली पैसा डालते थे, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रहा था तो गए नहीं ऑफिस नहीं गए, तो ये पूछने आए कि युवान ऑफिस नहीं जाए कि जाए, आज तो पैसा नहीं ला पाएंगे तो फिर कैसे डालेंगे, तो क्या बोलता है क्या होगा पापा गाड़ी में बैठ के चले जाओ ना, ऑफिस जाएगा तो ना पैसा लाएगा, तो हम बोले कि युवान तुम्हारे लिए पैसा जरूरी है कि पापा जरूरी है, तो बोलता है मम्मी पैसा जरूरी है, पैसा लाएंगे तभी ना बैंक में डालेंगे, बताइए आजकल का बच्चा भाई। बताइए कैसा लगा आपको मूवी? मूवी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है मूवी, बहुत खतरनाक मूवी था। कैसा लगा जी? बहुत अच्छी, पैसा वसूल